कॉटन वाली बैल बैठे पीछे वो दिखा दे पीछे आ जाओ। जाल जट फेवर है 200 रुपये पर मीटर है, 44 का बिकता है ये और गंजे में है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, द बीमंडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आप थंबनेल देखकर के समझ गए होंगे कि आज मंगोलपुरी कतरन मार्केट का ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैंने सारी जो कतरन तो सिर्फ नाम है इस मार्केट का, बेसिकली यहाँ पे फैब्रिक मिलते हैं जो शरारे गरारे वेडिंग के लिए गाउन वगैरह आपको चाहिए होते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाएंगे। और अगर आपको रेडीमेड ड्रेस चाहिए तो वो भी आपको कुछ अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन से पीरागरी मेट्रो पर उतरिएगा, वहाँ से आपको इजीली ई रिक्शा मिल जाएगा जो आपको कतरन मार्केट मंगोलपुरी तक पहुँचा देगा। ऐसे 10 रुपये लेते हैं भैया, कभी 20 रुपये भी ले लेते हैं, बोलते तो बहुत क्राउड है 20 ले लेते हैं, बस 10-20 इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो उससे ईजिली आप पहुँच जाएंगे कतरन मार्केट जी। आप इंटर करते हैं, हमने सिर्फ स्ट्रेट मतलब राइट लेफ्ट मैंने कहीं नहीं कवर किया, स्ट्रेट आपको बस चलते जाना है, कहीं भी आपको टर्न नहीं करना है। आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो आप कश्मीरी गेट से चेंज करेंगे, कश्मीरी गेट से चेंज करेंगे फ्रेंड, और आपको पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पर उतरना है, वहाँ से आपको ई रिक्शा करना है। यहाँ पे जो फैब्रिक है, मैंने इसके लिए 2 व्लॉग बनाए हैं। फर्स्ट में मैंने फैब्रिक ऐड की है जो कि गर्ल्स से रिलेटेड है, और सेकेंड व्लॉग जो बनाया है वो बॉयज़ के लिए। जी हाँ, बॉयज़ आपके लिए भी मैंने व्लॉग बनाए हैं। उस व्लॉग में अगर आप 3 पीस वगैरह अचकन शेरवानी शादी के लिए पर्पज़ से देख रहे हैं, अपने दोस्त की या फ्रेंड की शादी के लिए या घर में किसी की शादी उसके पर्पज़ से शेरवानी वगैरह देख रहे हैं, तो उसके लिए भी वो व्लॉग मैं जल्दी अपडेट कर दूँगी। तो इस मार्केट में आपको बेसिकली फैब्रिक ही मिल जाते हैं, और अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, कुछ रेडीमेड मिल जाएंगे, लेसेस भी मिल जाएंगे, टैसल मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इनका प्राइस का। जो फैब्रिक का प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 200 रुपीज़ से, 50 रुपीज़ से, 20 रुपीज़ से, अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। अच्छा, ये मुझे पिलो कवर मिल रहे थे जो कि वूलन होते हैं ना फ्रेंड, जैसे आपका कम्बल होता है उसका, ये आपको एक एक पेयर मिल रहा था 200 रुपीज़ का, मतलब 100 ईच, 200 में 2, ऐसे आपका ये पिलो कवर था। इसमें कई सारे कलर थे, कई सारे डिज़ाइन अवेलेबल थे, तो आप ये अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, कुछ जगह मुझे ऐसे ये देखिए रेडीमेड ड्रेस भी थे, जो आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऐसे लेसेस दी जाएंगी। इनकी प्राइस की बात करें तो 10 रुपये से इनकी स्टार्ट हो जाती है, 150 120 रुपये ऐसे इनका प्राइस होता है। और अगर फैब्रिक के प्राइस की बात करें, जो यहाँ पे फैब्रिक था मंगोलपुरी मुझे फैब्रिक देखने को मिला, तो उनकी प्राइस होती है जो आपको अदर मार्केट में 1500 का फैब्रिक मिलेगा, वो यहाँ पे आपको 1000-1200 में मिल जाएगा। तो कुछ फ़र्क होता है, तो इसलिए लोग यहाँ पे शादी वेडिंग के लिए काफ़ी यहाँ पे लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। और जो जैसे मैं सिले हुए ड्रेस बता रही थी वो यहाँ मिल जाएंगे। और ये वाला जो था ये 60 रुपीज़ का पीस था, ये कोई 150 था, वो 100, कोई 70 ऐसे था। यहाँ पे फ्रेंड ये वाला जो था ये भी 1000 रुपये मीटर बता रहे थे, और यही फैब्रिक मैंने अदर मार्केट में देखी थी वो 1500 रुपये में की थी, तो कुछ डिफरेंस होता। और यहाँ पे मुझे ऐसे शू रैक मिल गए थे, इनका प्राइस 350 था और स्टूल का प्राइस 450 था। इससे एक छोटा भी स्टूल था भैया इनके पास, और स्कूल बोला नहीं नहीं हाँ 350 है इसका प्राइस, 350 450। ये येलो का क्यूट सा बैग था, बट भैया ने 250 बताया इसका, बट ये बार्गेन नहीं करते फ्रेंड। आप में से कोई यहाँ पे गया हो तो ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे भैया बार्गेन करते हैं कि नहीं। इस पर्स के लिए तो उन्होंने कोई बार्गेन नहीं किया, बोला 250 तो 250, बाकी फैब्रिक वगैरह में बार्गेन हो जाती है। वहाँ पे मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि जो फैब्रिक है इसके अलावा बार्गेनिंग हो जाएगी। जैसे ब्लैंकेट थे आपके, ब्लैंकेट स्टार्ट हो जाते हैं 150 250 350 500 ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं।
और अगर बच्चों के लेते हैं तो उनका अलग प्राइस होगा, 150-100 रुपये मिल जाएंगे, 500 रुपये में, 1000 रुपये में। तो प्राइस आप बार्गेन कर लेना फ्रेंड। और ये है ब्लैंकेट के कवर जो डबल बेड का है, 700, 600, 500 ऐसे मिल जाएंगे, सिंगल का अलग, डबल का अलग। अच्छा, ये मुझे वहाँ मिल रहा था 30 रुपीज़ पर पीस। ये जैसे लेके आप प्लेन ड्रेस में साइड में पैच की तरह यूज़ कर सकते हैं इसे, तो 30 रुपीज़ में ऐसे ही कट पीस मिल रहे थे। और ये 350 रुपीज़ का कुशन था, 5 वाला। और इस बेडशीट वगैरह भी मिल जाएगी, तो बेडशीट की यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज है 250, सिंगल है तो 200, बार्गेन हो जाएगी वो। तो आपकी बार्गेन स्केल पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितना अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं, कितनी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं और कम से प्राइस में। ऐसे ब्लैंकेट और ये सब आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स जो पहली बार आ रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप जब वहाँ जाएँ तो थोड़ा लोकेशन के हिसाब से जाएँ, और दूसरा अपने मोबाइल और पर्स का ध्यान रखें, क्योंकि क्राउड बहुत था और ये लेन बिल्कुल सीधी जा रही थी। तो अपने मोबाइल पर्स का ध्यान रखिए और तुरंत मत खरीद लीजिए, पहले मार्केट घूम लीजिए, जो अच्छी चीज़ें लगे उनको देखिए। तो यहाँ कर्टेन भी दिखे, अच्छा मैं आगे उसकी थोड़ी एक शॉप है जो कर्टेन की शॉप थी, तो इनका 350 एक कर्टेन, 350, 750, 550 ऐसे था। तो मैंने इनकी डिटेल लेनी चाहिए बट इन्होंने मना कर दी, बोले ऑनलाइन जब डालते हैं तो अदर लोग बोलते हैं कि ये पड़ते जो है कर्टेन 1000 रुपये मिलते हैं, आप यहाँ 300-400 के बेच रहे हो, तो उनको ऑब्जेक्शन हो जाती है, अदर को कॉम्पिटिशन हो जाता होगा कुछ, तो इसलिए उन्होंने डिटेल नहीं दी। बट मैं आपको बताऊंगी जब आप मंगोलपुरी में मार्केट में सीधे जाएंगे, स्ट्रेट जाते जाइएगा, लेफ्ट साइड आपको ये शॉप मिल जाएगी। जैसे ये रॉयल वाले जो कर्टेन है ये आपको 550, जी हाँ फ्रेंड, 550 रुपीज़ में पर मिल जाएंगे। इनका 90 फिट इनका साइज़ होता है, वो आप यहाँ पर कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने घर के और बेडरूम के और रूम के हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज भी करा सकते हैं। ये भैया को मैंने दिखा दिया, भैया को देख करके आप वहाँ पे पहुँच जाना इजली, बस आप स्ट्रेट जाना और लेफ्ट साइड देखने जाना, फर्स्ट कर्टेन की जो शॉप आएगी आपकी इन्हीं की शॉप है, तो ये कस्टमाइज़ भी कर देंगे आपको, आपके बेडरूम में जो पर्दे होंगे या कलर जो यूज़ किया होगा उसके हिसाब से कस्टमाइज में हो जाएगा, और आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ गई तो व्लॉग में फ्रेंड कुछ शॉप का जो नाम है वो मैंने ऐड कर दिया है, ये ब्लॉग में देखते जाइएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके पहुंच जाइएगा। तो मैं आगे बढ़ के एक शॉप पे आ गई, ये है अम्मा जी की दुकान, जी हाँ अम्मा जी की शॉप के नाम से ये फेमस है। ये दो ये देखिए, ये दादी मिल जाएंगी, ये भैया आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये अच्छा बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे, ये मैंने लोकेशन दिखा दी, आप उधर से आएंगे फर्स्ट सिर्फ लेफ्ट, अभी मैंने लेफ्ट कवर किया है और जब मैं राइट का साइड का कवर करूँगी तो उधर की भी शॉप मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। इनके पास ऐसे 200 रुपये मीटर के 60 विड्थ थी, 200 मीटर थे ये कपड़े, और इसकी जो है मीटर और विड्थ जो होती वो 60 थी, किसी के 44 थी, किसी के 40 थी, तो विड्थ सारे कपड़ों की अच्छी थी, प्राइस भी अच्छी थी, 200-150 ऐसे था इनका प्राइस। अम्मा जी की दुकान के नाम से फेमस है, आप मंगोलपुरी जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड देखिएगा, आपको ये अम्मा जी वहाँ पे मिल जाएंगे और भैया यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनके पास जो भी कलेक्शन थे, जो भी फैब्रिक था, वो मैंने इस व्लॉग में ऐड कर दिया है। इनके पास जो फैब्रिक मुझे देखने को मिला वो रीज़नेबल था, प्राइस भी रीज़नेबल था, जैसे इसका प्राइस इन्होंने बताया था 200 रुपीज़ मीटर, और विड्थ अच्छी है। तो फ्रेंड अगर आप कुर्ते बनाना चाहते हैं तो कुर्ते 2 मीटर में, जैसे जहाँ 2.5 मीटर लगता है वहाँ 2 मीटर में हो जाता है, जहाँ ऐसे करके ये हो जाता है, इसलिए मतलब कम कपड़े में हो जाते हैं। जहाँ 2.5 मीटर मुझे लेना होता है कुर्ती के लिए, लेंगे आप तो 2 मीटर में ही आपकी कुर्ती रेडी हो जाएगी, या इसके लिए आप अपने टेलर से कंफर्म कर लेना, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि इस जो इनकी विड्थ है उस विड्थ में एक कुर्ता अच्छे से जो अच्छे से बन जाएगा। अच्छा अगर वुलन की बात करें तो ये 250 और 200 रुपीज़ मीटर थे ये, इनको आप लेकर के गर्म बेडशीट बना सकते हैं, रज़ाई का कवर बना सकते हैं, अपनी ब्लैंकेट का कवर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, एज इट इज़ जैसे आप चाहे वैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे फैब्रिक थे, सॉफ्ट थे, इनकी ये शॉप का जितना भी यहाँ पे फैब्रिक है, स्टॉक है, वो मैंने इस व्लॉग में ऐड किया है, आप पूरा फैब्रिक देख लीजिए इनका मीटर और बता दूँगी। ये 200 मीटर है, डबल साइडेड, ये थोड़ा मतलब हैवी होते हैं ना, हैवी वेलवेट वैसा है, और ये 200 रुपीज़ मीटर है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लाइट कलर की, मोस्टली लोग ऑफ वाइट मांग रहे थे। ये 200 रुपीज़ मीटर है,
250, 350 आप जैसे जाएंगे, जो जो मतलब डिज़ाइन का चेंज होता जाएगा वैसे प्राइस बनता जाएगा। बट ये जो लेन थी ये 250 की रेंज थी, 350 की रेंज की थी। और इन्हीं के शॉप पे मैंने एक फैब्रिक देखा जो कि जॉर्जेट था, बहुत सॉफ्ट वाला, उनका प्राइस था 150, हाँ 150 रुपीज़ मीटर था, और उसकी विड्थ थी 60 की। फैब्रिक देखिए, तो इन्हीं सब फैब्रिक की मैं बात कर रही थी फ्रेंड, कि मंगोलपुरी जो है कतरन मार्केट के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पे ऐसे फैब्रिक आपको कट पीस में मिल जाएंगे। आपको 1 मीटर लेना, 2 मीटर, 5 मीटर की साड़ी बनानी है, ऐसे आप मीटर में लेकर के बना सकते हैं। अच्छा, इस फैब्रिक की मैं बात कर रही थी, ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। इसको इसका प्राइस था 150 रुपीज़ पर मीटर, और विड्थ इसकी 60 थी। ये हाथ में लेने में एकदम सिल्की सिल्की सा तो नहीं लग रहा था, बस जॉर्जेट बिल्कुल सॉफ्ट वाला होता है ना फ्रेंड, ये वैसा था। तो इनकी ये सारे कलर लगे हुए थे, ये 150 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो अच्छा, 300 रुपये में आपको एक कुर्ती का कपड़ा मिल जाएगा, और ये थोड़ा हैवी वाले थे, इनका आप कर्टेन बना सकते थे। अच्छा, ये पीसेस से नीचे, ये मतलब इन टुकड़ों में जो मतलब 200 रुपीज़ की पीस थी, और किसी में 5 मीटर भी मिल जाएगा आपको, किसी में 2 मीटर, किसी में 3 मीटर ऐसे मिल जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, बट ये पीसेस इनके पास थी तो वो मैंने ब्लॉग में इसलिए ऐड कर दिया कि आपको आइडिया हो जाए, कि फिर आप जब मंगोलपुरी जाओ तो आप माइंड मेकअप करके जाना कि हाँ वहाँ पे किस टाइप की हमें ड्रेसेस लेना है, किस टाइप के। तो यहाँ पे आपको डेली यूसेज के पर्पज़ से भी ड्रेस का फैब्रिक मिल जाएगा, और आपको रेडीमेड कपड़े भी मिल जाएंगे। वेडिंग पर्पज़ से लेना है, पार्टी ओकेज़न पर्पज़ से लेना है, तो वो भी यहाँ पे ड्रेस आपको मटेरियल मिल जाएंगे और ड्रेस भी मिल जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको कश्मीरी गेट पे उतरना है, वहाँ से रेट लेना, और वहाँ से आपको ग्रीन लाइन पे पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। कश्मीरी गेट से आपको चेंज करना होगा ग्रीन लाइन के लिए, फिर वहाँ से आपको पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन उतरना है। पीरागढ़ी पे उतर करके आप वहाँ से ई रिक्शा लेंगे, और 10 रुपये ई रिक्शा वाले में लेकर के आपको मंगोलपुरी कतरन मार्केट पहुँचा दे। बस जहाँ आप उतरोगे तो सामने आपको मार्केट दिख जाएगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बस आप मार्केट में चल देना, घूमना शुरू कर देना, और पहले अच्छे से सर्वे कर लेना जहाँ अच्छे लग रहे हो। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सब्जी के ऐसे ही है, ऊपर नीचे 1000, 1200, किसी का 300, किसी का 200, ऐसे प्राइस होगा। तो आप को जो चीज़ पसंद आ रही है वो आप बार्गेन करके ले लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं और आगे देखना है तो फिर आप मार्केट पहले घूम लेना, सर्वे भी ज़रूरी है। तो शॉपिंग के लिए जो विंडो शॉपिंग है, जो आपका सर्वे है, वो मैं इस ब्लॉग में कर देंगी। इसमें आपको स्टॉक से पता रिलेटेड पता चल जाएगा कि वहाँ किस टाइप के स्टॉक मिलते हैं, किस टाइप के फैब्रिक मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई भी डिज़ाइन आपने कहीं से सेव करके रखा है तो उसके लिए मैं बोलूँगी यहाँ पे आपको फैब्रिक ईजिली मिल जाएगी। ये मैं लोकेशन दिखा देती हूँ, और अम्मा जी की ये शॉप, ऐसे ही शॉप मिलेगी। तो उस फैब्रिक्स फ़ोटो लेके वो फैब्रिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको लेसेस चाहिए, बॉटम चाहिए, उससे रिलेटेड टैसल वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और होम डेकोर से रिलेटेड भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कारपेट भी देखी थी, इनका प्राइस 750, 650, 600 का 600 था, और ये जो आपको डोरमेट वगैरह मिल रहा है तो इनका प्राइस 300 रुपीज़ था। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये एक एक जो कलर और डिज़ाइन थे वो आप इस व्लॉग में देख लो। तो ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड। व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें और भी बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैंने ड्रेस का मटेरियल का कलेक्शन अपडेट किया है। अच्छा, ये रनर की बात करें तो 300 का था फ्रेंड। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और इस संडे कौन मंगोलपुरी गया था और यहाँ से रिलेटेड कुछ और अच्छी चीज़ें हैं तो वो आप इसमें व्लॉग में कमेंट्स का सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमारे जो और व्यूअर हैं, जो हमारे और फ्रेंड हैं, उनको भी उस मार्केट के बारे में थोड़ा और डीपली नॉलेज हो जाए। होता है ना, जो वहाँ के आसपास वाले होते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है मार्केट की, वो ज़्यादा जानते होते। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी जो मुझे अपडेट करना था तो मुझे बताना। और ये व्लॉग आपको कैसा लगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब फैब्रिक की शॉप स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड, ये बेसिकली फैब्रिक आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, आपने हमेशा देखा होगा ये बॉलीवुड स्टाइल के ड्रेसेस जो हैं, आपको फैब्रिक यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब अगर आप कोई ड्रेस मन में सोचो, या आप
और कहीं ऑनलाइन देख लिया, उसको सेव कर लो। जो आपका हज़ारों का ड्रेस होगा वो कुछ ही चंद हज़ार, कुछ हज़ार रुपये में पड़ जाएगा। 100 तो नहीं कहूँ क्योंकि 1000 में तो ये मीटर ही दे रहे हैं, तो हज़ारों का ड्रेस कुछ हज़ार में पड़ेगा। मतलब कॉस्टिंग कम होगी, ऐसा नहीं कि आपको, ऑब्वियसली अगर आप अच्छी है शॉप पे या मॉल वगैरह में लेंगे उसका प्राइस, और यहाँ से जो आप खुद कस्टमाइज़ कराएंगे, पहले तो आपका खुद का सेटिस्फेक्शन होगा कि आपको अपनी मर्ज़ी से ड्रेस बनवाओगे, और प्राइस भी कम होगा। तो ये जो फैब्रिक था, वो इससे पहले जो फैब्रिक था वो बॉयज़ के कुर्ते के लिए था, और ये इस तरह के आजकल वेलवेट की डिज़ाइन वाले स्टाइल वाले बहुत अच्छे ड्रेसेस चल रहे हैं। तो इनका स्टार्टिंग प्राइस था 350 रुपीज़, ये 350 रुपीज़ का था, और ये 550 का, और ये 800, 1000 ऐसे इनका प्राइस था। ये वेलवेट वाले थे, विड्थ इनकी 60 थी। अगर प्लेन में लेना हो तो प्लेन में भी था, प्लेन में 200-300 मीटर था, ये 300 रुपीज़ मीटर था। तो इनका आप जैसे साड़ी ले लिया प्लेन, और इसका ब्लाउज़ बना लिया, या फिर आपने इसका बॉटम बना लिया, कुर्ता और अच्छे से मिलता जुलता ले लिया, और ये वेलवेट के डिज़ाइन पर है फ्रेंड। वेलवेट की जैसे शॉल वगैरह आती थी ना, वैसे अब इस पर ड्रेसेस आए हैं मीटर वाले, इनसे आप ड्रेस तैयार कर सकते हैं। और ये 300 रुपीज़ मीटर थे, ये कट पीस थे, ये 300 रुपीज़ का ये पूरा पीस था। जैसे आपने गाउन बनाना है, ऊपर का अलग ले लिया और नीचे का प्लेन ले लिया, मतलब अपर बॉटम अलग कर लिया, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। और मेहंदी के लिए जैसे इसको अगर 5 मीटर लेके आपने साड़ी बना ली, या गरारा बना लिया, आपने लहंगा बना लिया, तो ऐसे करके आपको अपने मन से थोड़ा कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। फैब्रिक आपको हैवी मिल जाएंगे, जो आपको ड्रेस जो 50,000 10-20 हज़ार में मिल जाएंगे, वो ड्रेस आपको यहाँ पे 10,000 5,000 के अंदर ही मिल जाएंगे, बन जाएंगे आपके ड्रेस। किसने किसने यहाँ से ड्रेस बनवाया एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, कितने तक का ये ड्रेस अनारकली फिगर होता है तो पड़ जाता है आफ्टर टेलर वाले भैया को पैसे कंप्लीट करवाने के बाद। अच्छा, वो जो लाइनिंग वाले ड्रेसेस थे वो 550 रुपीज़ मीटर थे, ये 1000 रुपये मीटर के थे, इनमें से कोई 300, 400, 600 ऐसे करके प्राइस था। तो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस अप टू 1000, 1500, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखा, अब तो मतलब 1000, 1200 का, 1500 तक का भी नहीं दिखा मुझे। और उसकी मैचिंग का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें कुछ डिज़ाइन थी, ये वाला ड्रेस आप ले सकते हैं शेरवानी बनाने के लिए, कुर्ता बनाने के लिए, और गाउन बनाने के लिए तो बेस्ट था। ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था, एक जगह ये 120 रुपीज़ मीटर था, एक जगह ये 300 रुपीज़ मीटर था। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के कपड़े तो ज़रूर दिखेंगे, आ रही फ्रेंड, आ ही गई सर्दी, कड़ाके की ठंड चल रही, तो ऐसे वहाँ के ड्रेस मिल जाएंगे आपको। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप इसके लिए भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे गरम कुर्तियाँ मिल जाएंगी, लोअर गरम वाले, अपर बॉटम की आपको 500, 600, 200 ऐसे मिल जाएंगे। ये वाला 600 रुपीज़ का पूरा पेयर था, कुछ 500 का था, और जो सूट था वो 600 रुपीज़ का था। ये लाइट कलर का था, इसका 1000 रुपये मीटर था। अब एक शॉप पर आ गए, इस शॉप का नाम भी मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, इसको मैं पूरा कवर करें, क्योंकि इनके पास जो मुझे फैब्रिक था वो मुझे देखने बहुत अच्छा लगा। देखिए ऊपर नाम है इसका टेक्सटाइल का, आप तो इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा, उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आप अपने भी आप पे करिएगा, क्योंकि इन्होंने कोई मुझे ऑनलाइन का कुछ नहीं बताया, बस इन्होंने ये बताया कि हाँ बस ठीक है आप ब्लॉग में ऐड कर लो बस, बाकी कोई इनका वो नहीं था। तो आप अपने बिहाफ पे जाना, मुझे यहाँ का फैब्रिक और यहाँ का जो स्टॉक था वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो लाइट थे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी था, इनमें से कुछ मुझे पसंद भी आ रहे थे, बट मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग ऐड कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे बात करेंगे। बट व्लॉग ऐड करने के बाद मैं वापस घर आ गई। जैसे ये था, ये 1000 रुपये मीटर था, 350 रुपये मीटर कौन सा था, 350 रुपये मीटर भी था इनकी शॉप पे कपड़े। इन सब का प्राइस अलग था, 1000 रुपये मीटर, 1200, 700, 800 ऐसे मीटर था। ये लोग यहाँ पे ले रहे थे, तो आप इनको बोलोगे कि अनारकली बनाना है, गरारा बनाना, लहंगा बनाना, तो उसके हिसाब से ये खुद बताएंगे कितना मीटर लगता है। तो ये इससे आपको
नॉलेज पता चल जाएगा। ये वाले सारे 1200 रुपये वाले मीटर हैं, ये देखिए ये फैब्रिक है ना फ्रेंड, आपने हमेशा देखा होगा ऑनलाइन वगैरह कितने महंगे मिलते हैं ये, 5000-10000 के ये ड्रेस मिलते हैं। महक ड्रेस फैशन, इसको भी आप सेव कर लीजिएगा। उसके नेक्स्ट ये शॉप पड़ेगी, इस शॉप का ये जो ये फैब्रिक था प्राइस तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, तो अब आप इनका फैब्रिक देख लीजिए। फ्रेंड अगर आप साड़ी पहनना पसंद करते हैं तो उसके ऊपर शर्ट स्टाइल में था, यहाँ पर भी कई डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर शर्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बगल में आपको ऐसे टॉल मिल जाएगी जो कि इनका प्राइस 350-250, और किचन टॉल भी थी इस पर, ये पट्टी शॉप थी बेसिकली, ये पट्टी पर भैया ने लगा रखा था, तो ये 250-350 रुपीज़ की ये टॉल थी जिनका साइज़ फ्री साइज़ बोल रहे थे, मतलब बिग साइज़ था लार्ज साइज़ था बता रहे थे। और ये किचन टॉल थी जो 100 रुपीज़ की थी, किचन में आप रख सकते हैं इसको, किचन के लिए यूज़ करते हैं, हैंड वगैरह हाथ वगैरह पोछने के लिए काम आ जाता है। और इनके पास ये वाली फाइबर टॉल थी जो कि जिनका प्राइस 150 रुपीज़ था, इनका मतलब जैसे ये वाटर जल्दी सोक कर लेते हैं इसलिए इसे फाइबर टॉवल बोलते हैं। और इनके बगल में ऐसे कम्फर्ट मिल जाएगी जिनका प्राइस 550 रुपीज़ था। आंटी बहुत देर से बार्गेन कर रही थी कि मैं दो लूँगी तो 1000 रुपये में दे दो, बट ये भैया तैयार नहीं थे। तो कुछ लोग नहीं भी बार्गेन करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बार्गेन कर लें, कुछ बार्गेन कर देते हैं कुछ नहीं भी बार्गेन करते, तो बार्गेनिंग तो उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड होता है। और उनके बगल में ऐसे 350 रुपीज़ के आपको ये सेट मिल जाएंगे गर्म सूट के, अपर बॉटम दोनों, इस पर टैग लगा है कंपनी का, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये ओरिजिनल पीस है, बस इस पर टैग लगा है, तो ये मैं श्योरिटी आपको नहीं दूँगी कि ये ओरिजिनल कंपनी का पीस है, बट ये गर्म था वूलन था 350 रुपीज़ में, क्या ही बुरा है फ्रेंड 350 रुपीज़ में। और इनके पास जीन्स भी थे और नाइट ड्रेस भी थे। अब इनके पास जो नाइट ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी वो है 600 रुपीज़ का, बट फैब्रिक उसका वेलवेट और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है,
ऐसे जीन्स वगैरह जो कुछ सामने थी शॉप पे बेसिकली अभी इन्होंने लगाया ही नहीं थी। इन फैब्रिक की मैं बात कर रही थी फ्रेंड, अगर ये सेट लेते हैं आप, नाइट सेट लेते हैं तो 600 रुपीज़ का था। इनमें से आप कोई भी सेट लीजिए, अपर बॉटम दोनों मिलेगा। तो इनका कलर अवेलेबल है, एक प्लेन था जो कि थोड़ा लॉन्ग था, कुर्ती स्टाइल में था, मतलब कॉर्सेट की तरह है। ये इस ब्लैक वाले की बात कर रही हूँ, ये कॉर्सेट की तरह है, अपर बॉटम दोनों ऐसा है। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, फैब्रिक अच्छा है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। ये देखिए अंदर से वॉर्म है, अंदर से गर्म है, बाहर से वेलवेट है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। इनका पिंक और ब्लैक कलर का मुझे मिला, और भी कई सारे कलर थे जो कि स्टॉक आउट हो गए थे। और ये फ्री साइज़ होता है, जिसमें साइज़ का कोई नहीं होता कि एम, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, तो ये फ्री साइज़ होते हैं। 600 रुपीज़ में आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप जैकेट वगैरह लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, और आप ऐसे लॉन्ग कॉर्सेट में लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। इस तरह के सेट आप सर्दियों के लिए ले सकते हैं 600 रुपीज़ में, नाइट ड्रेस भी ले सकते हैं, कॉर्सेट भी ले सकते हैं। फ्रेंड ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड।